जैन साथियों, आज दो महत्वपूर्ण इशू हैं जिनके लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोगों को शायद मीडिया के माध्यम से आपको पता चला होगा, दो घटनाएं हैं। एक शिवानी मंडी की एक लड़की जो कि हिमाचल में शिमला में MBBS की अपनी तैयारी करने के लिए गई हुई थी, जो कि हरियाणा में टॉपर रही है वो लड़की, उस लड़की के साथ रेप हुआ है और उस लड़की को बाजार से गाड़ी में सरेआम उठाया गया, उसके बाद रेप किया गया और उस लड़की को सड़क पे फेंक दिया गया। बड़े दुख की बात यह है कि उस लड़की ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके दोस्त ने इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने उस लड़की का ही टॉर्चर शुरू कर दिया। उस लड़की की हेल्प करने की बजाय उस लड़की का टॉर्चर शुरू किया। आज स्थिति यह हो गई है कि वो लड़की मानसिक रूप से इतनी ज्यादा परेशान हो गई है, वो लड़की मतलब सुसाइड करने के उस पे आ गई है। उसका परिवार सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, उसका परिवार को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो बात है इसमें यह है कि हिमाचल में एक घटना हुई और हम इसके लिए हमारे जो चौकीदार साहब हैं खट्टर साहब, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हिमाचल के अंदर जो गवर्नर हैं वो हरियाणा से ही हैं और वहाँ पे भी चौकीदारों की सरकार है, तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई मतलब बड़ा ही दुख की बात है कि जिस तरह से लड़की ने बताया, उसके पेरेंट्स ने बताया है कि मतलब पुलिस लड़की के ऊपर ही उल्टे सुलटे आरोप लगा रही है। अभी तक उन्होंने उन लोगों को पकड़ा नहीं है कि मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन करके ये हो कि भाई कुछ काम किया गया हो, लड़की को सपोर्ट करने की बजाय उसको टॉर्चर किया गया है। तो हम ये कहना चाहेंगे, आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप सब भी उस लड़की की सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि शिमला में भी काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन सरकार की तरफ से, हिमाचल सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाया गया कि जिससे कि लड़की को लगे कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है। लड़की मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम चौकीदार खट्टर साहब से ये कहना चाहेंगे कि आप ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उस वो सिर्फ नारा ना रहने दें और उस लड़की की हेल्प करें। हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक लड़की है, उस लड़की की ज़िंदगी कैसी होगी जब आप उसके साथ रेप हो जाता है और सिस्टम उसके साथ बार बार फिर रेप करता है। तो एक तो ये है कि आप सब साथियों से भी ये हम कहना चाहेंगे कि भाई उस लड़की के लिए सपोर्ट करें, जितना भी अपनी तरफ से हो सकता है वो आप सपोर्ट कीजिए। और ये बकवास वाले कमेंट वाले हैं ना, जो कभी ना हो किसी के साथ ऐसा, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ना है। ये जो लोग घटिया और घटिया मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की बकवास करते रहते हैं। लेकिन आप सब साथियों से, जितने भी साथी हैं, उनसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लड़की की सपोर्ट करें। दूसरी जो घटना आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि फरीदाबाद के अंदर पास कराने के बहाने लड़कियों का सेक्सुअली हरासमेंट होता था, अब ये तो बताया जा रहा है कि कुछ लड़कियां ही सामने आई हैं, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर ये गैंग काम कर रहा है। तो अब इससे घटिया बात क्या हो सकती है कि अब दूसरा, हमारे जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, स्टेट लेवल पे खुफिया एजेंसी होती हैं, क्या उनको पता नहीं चलता इन चीज़ों का? किस तरह की हरकतें की जा रही हैं, कितनी घटिया हरकतें हैं ये, कि जो न्यूज़पेपर में जो खबर आई है कि भाई लड़कियों को पास कराने के बहाने, नंबर बढ़ाने के बहाने लड़कियों के साथ इस तरह से सेक्सुअली हरासमेंट हो रहा है और सब चुप है। तो हम ये कहना चाहेंगे चौकीदार साहब से कि आप इस चीज़ को संज्ञान लीजिए, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि हमने जब बात की है वहाँ पे काफ़ी लोगों से, तो बताया जा रहा है कि ये जो मामला है, ये मामला तो बहुत ही कम सामने आया है, ये बहुत बड़ा मामला है। तो जितने भी साथी हैं, राजनीति से हटके बात है, ये कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि भाई ध्यान दिलाया जाए, इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो जो, क्योंकि कल ना हमारी किसी बहन के साथ, बेटी के साथ अगर इस तरह की घटनाएं हो, तो फिर उसको क्या
फील होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, दोनों ही घटनाएं बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। एक जो टॉपर लड़की, एक परिवार ने पढ़ाई लिखाई अपनी टेस्ट करने के लिए तैयारी गई हुई थी, उस लड़की के साथ रेप होता है, इससे तो कुछ भी घटिया नहीं होता ना, उसका तो जीवन मतलब एक बर्बाद हो गया ना। सामाजिक रूप से लोग तरह तरह की दूसरी बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की के साथ भी है, उस परिवार के साथ भी है, तन मन धन से जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। लेकिन आप जितने भी दोस्त हैं साथी हैं सब से ये अपील है कि इस मुद्दे को उठाएं, इस मुद्दे को चौकीदार तक पहुंचाएं, ताकि कुछ चौकीदार चौकन्ने हो गए अपना काम कर सकें। और माननीय खट्टर साहब से तो हम ये कहेंगे कि आपका ही चौकीदार साथी वहाँ पे मुख्यमंत्री है, अपने वहाँ पे गवर्नर साहब भी हैं, तो उनसे कह के आप उस लड़की के न्याय के लिए आप कह सकते हैं, ताकि उस लड़की को न्याय मिले जितना जल्दी हो सके। और जितने जिन लोगों ने भी ये घटना की है, ये जो घटियापन किया है, उनको जल्दी से जल्दी अगर कठोर सजा मिलती है तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। और उसी तरह से बहुत बड़ा मामला है, हम तो ये कहेंगे इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ा मामला है जो बताया जा रहा है। जिस तरह फरीदाबाद के अंदर लड़कियों के नंबर बढ़ाने के लिए, पास करवाने के लिए जिस तरह से उनको फोन किए जा रहे थे, जिस तरह फोन रिकॉर्डिंग है, जिस तरह से घटना सामने आ रही है, बहुत बड़ी घटना है। आप सब साथियों से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा साथी इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि ये मुद्दा उनका नहीं है कि जिन लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है पेपर पास करवाने के लिए, नंबर बनवाने के लिए, या जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, कल ना हमारी भी बहन बेटी हो सकती है वहां पे। ये नहीं है कि मतलब आप सोचेंगे कि हमारा तो नंबर है, हमारा भी नंबर आएगा, अगर ऐसे होगा तो हमारे भी बच्चों का नंबर आएगा, हमारी बहन बेटी का भी नंबर आएगा। इसलिए आप सबका ये फर्ज बनता है, हम सबका ये फर्ज बनता है कि इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएं, जितना ज्यादा उठाया जा सकता है उतना उठाएं, ये आवाज पहुंचाएं, ये सबकी जिम्मेदारी है हमारी। कोई भी ऐसा, कोई किसी भी पार्टी का है, किसी से भी है, कहीं से भी है, आप सब लोगों का, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें सबका, हम सबका फर्ज बनता है सभी साथियों से कि भाई उस उन परिवारों को, जिन परिवारों के साथ इस तरह की घटना हुई है, जिनके बच्चों के साथ, बेटियों के साथ ये घटना हुई है, उनको ताकि सपोर्ट मिल सके। हम जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जय हिंद।